एक नया वीडियो में आज जैसे कि तुम लोगों ने टाइटल और थंबनेल ने पढ़ा जो कॉन्सेप्ट है गर्मी बहुत है और मेरे को ऐसे सारा दिन रहना अभी सुबह के 11 बजे अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अभी से मैं सारा दिन एक ऐसा बंदा जो नया शहर में आया है जिसको कुछ नहीं पता इसका कोई रिलेटिव नहीं है शहर में जिसको कोई जानता नहीं है जिसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है वो कैसे एक दिन ऐसे मेगा सिटी में सर्वाइव कर सकता है वो मैं आज दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कहाँ पे तुम लोग जाओगे अगर सीरियसली तुम लोगों का ऐसा हालत है अभी बहुत लोग ऐसे बोलेंगे इसका हालत इतना खराब है इसके पास खाने का पैसा तक नहीं है वो कैसे फ़ोन में देख के ये सब सीखेगा मैं तुम लोग एक चीज़ बता दूँ ये सब उन लोगों के लिए नहीं है ये तुम्हारे लिए भी है ताकि तुम लोग लाइफ में अगर कुछ करोगे ना तो कभी भी हार मत मानना कोई भी चीज़ों को कभी भी हार मत मानना जैसे कि मैं भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है मेरे को नहीं पता मेरे को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा सारा दिन कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा रात को कहाँ ठहरूंगा कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ ना चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के तो पूरा वीडियो जरूर देखना अभी मैं हूँ मेरे को नहीं पता मैं कहाँ हूँ लेकिन फिर भी कहीं पे हूँ और इधर से निकलते थोड़ा बहुत अभी नंगा पाँव चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि गर्मी बहुत है अभी 40 डिग्री से तो ऊपर हो ही रहा वो इतना ज़्यादा गर्मी है तो अभी चलो शुरू करते हैं अभी सुबह के 11 बजे सुबह से शाम तक गुजारना मेरे को चलो देखते क्या होता है नहीं होता है पूरा वीडियो तो गाइस मैं तुम लोगों को बता दूँ कोई भी मेगा सिटी कोलकाता हो दिल्ली हो मुंबई हो गोवा हो कोई भी मेगा सिटी में अगर तुम लोग जा रहे हो तो तुमको मेन कहाँ रहोगे तुम कहाँ ठहरोगे ये मेन दिक्कत नहीं मेन दिक्कत ये है कि तुम क्या खाओगे खाने का मेन प्रॉब्लम है तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि अभी मेरे को खाना ढूंढना पड़ेगा सारा दिन मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा वो मुझे नहीं पता है तो मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है देखते क्या होता है क्या नहीं होता पूरा वीडियो ज़रूर देखना जो भी होगा मैं तुम लोगों को दिखाता रहूँगा अभी तो मेरे को लग नहीं रहा है कुछ मिलेगा थोड़ा बहुत घूम लेते ऑब्जॉर्व कर लेते क्या है क्या नहीं है जो भी होगा मैं तुम लोगों को दिखाता रहूँगा पूरा वीडियो से अभी मैं एक मार्केट के अंदर हूँ और सामने देखते जा रहा हूँ क्या कुछ है ज़्यादातर दुकान मुझे बंद दिख रहे हैं जैसे कि देख सकते हो ज़्यादातर दुकान बंद है बहुत ज़्यादा गर्मी है 40 डिग्री सेल्सियस तो हो गई और इस वजह से जो फ्रिज है बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसे कि देख सकते हो मैं टोटली नंगा पाँव हूँ तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मतलब पाँव में ज़्यादा लग रहा है गर्मी का मौसम इतना है 2 घंटे से मैं चले जा रहा हूँ मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा कुछ नहीं मिला अभी दोपहर के 2 बजे सुबह से मैं कुछ नहीं खाया लास्ट टाइम मुझे बहुत इजीली काम मिल गया था लेकिन आज पता नहीं लोग बात भी नहीं कर रहे हैं ठीक से नहीं पता क्या हो रहा है फिर भी देखते आगे कोई कुछ मिलता है अभी चलते हुए मेरे को नहीं पता टाइम कितना हो रहा सारा दिन चले जा रहा हूँ मैंने 2-3 जगह पूछा भी तो नॉर्मल ऐसे पानी करने वाला काम वो भी नहीं मिला वहाँ भी मैं दुकान का एरिया में आया थोड़ा बहुत कॉलेज का एरिया में ताकि थोड़ा बहुत देख के यार जो भी अपॉर्चुनिटीज है वो मुझे उठाना पड़ेगा फ़ायदा है भाई टाइम कितना ठीक है तो भाई अभी बज रहे हैं 4:45 लगभग 5 बजने वाले हैं मैं चलते हुए कॉलेज के सामने आया हूँ मतलब इधर बहुत सारे खाने की दुकान है तो इधर मैं पूछने वाला हूँ मेनली मैं इधर रखूँगा मेनली इधर क्या है ना इधर स्टूडेंट लोग ज़्यादा है तो मेरे को लगता है इधर के जो दुकानदार है वो ज़्यादा हो सकता है इधर मुझे काम मिल जाएगा क्योंकि मेरा एज भी ज़्यादा नहीं है कोई मेहनत करे खाना चाहे तो वो कर सकते हैं तो बहुत सारे दुकान ऐसे देख सकते हो पूरा लाइन से इधर दुकान है ठीक है इधर पूरा लाइन बहुत सारे लेकिन उसमें थोड़ा कैसा लग रहा है लेकिन उतना सोचने से नहीं हुआ क्योंकि मेरे को काम चाहिए और काम के बाद मेरे को खाना भी चाहिए तो उस चीज़ को मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा तो सबसे पहले चलते हैं पूछते हैं चाचा जी से दीदी से तो पूछ नहीं पाएंगे तो कभी समझेगा नहीं क्या है क्या नहीं हो रहा है अच्छा कैमरा थोड़ा छुपा के करिए ठीक है ठीक है उससे पूछते हैं वो जो हम लोग का एज का लग रहा है दुकान में अपने एज का लग रहा है भैया भैया काम मतलब थोड़ा बात कर सकते तो हो जाएगा अपना एज का लग रहा है बोल रहा हूँ कि मेरे को मतलब सुबह सुबह खाया
अगर आपके तो मतलब मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे खाना चाहिए खाना दे दो, ये वो मैं आपके दुकान पर काम करना चाहूँ उसके बदले में मुझे एक टाइम का खाना ऐसे तो बोल रहे हो, काम देना कोई आसान बात नहीं है, हम तुमको काम दे देंगे लेकिन हम तुमको पहचान देंगे जान देंगे काम नहीं दे सकते, हमारा कोई ग्रुप है यहाँ पर काम करोगे इसलिए भैया कुछ है नहीं, थोड़ा मुश्किल में पड़ गया वो इसीलिए वो सुबह से कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारा सच बताओ तो बहुत सारा दुकान लेकिन कोई देर आएगा प्रॉब्लम है ना, थोड़ा काम ऐसा इतना गंद नहीं लगे रिक्वेस्ट कर रहे हो हर बार हमारे से मेरे एज के सारे बंदे इधर खाने पीने आ रहे हैं और मैं वही दुकान में काम कर रहा हूँ, मेरे एज के सारे बंदे उनको मैं पराठा सर्व कर रहा हूँ बर्तन माज रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ सोचा कि अगर तुम सर्वाइविंग के लिए कुछ करते हो आज वो लौंडे इधर है और तुम काम कर रहे हो कल भी वो लौंडे उधर ही रहेंगे लेकिन तुम काम करके तुम नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो, वो चीज़ याद रखना अगर तुम काम कुछ भी करते हो कोई भी काम छोटा नहीं होता, एक्चुअली सच बताओ तो भाई बहुत अच्छे हैं इधर के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता था एक्चुअली वो जो एरिया था वो सही नहीं था लेकिन ये जो एरिया सही है, तो तुम लोगों को दिक्कत हो सकती है किसी किसी एरिया में तुमको कोई भाव नहीं देगा तुमसे कोई बात नहीं करेगा तुमको सब नेग्लेक्ट करेगा, लेकिन ये मत सोचना कि सारे ही एरिया ये सारे ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग अच्छे भी होते हैं जैसे कि देख सकते हो ठीक है मुझे सिर्फ पराठा दे दिए तब भी चलेगा धन्यवाद। फाइनली हम लोगों को खाने को मिल चुका है, अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। सच बताऊँ तो लास्ट डे जब मैंने ये वाला वीडियो किया था इसका पार्ट वन अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम मिल गया था लेकिन अचानक से जब मैं उस एरिया में करता हूँ हाँ इसका सीख बहुत लोगों को मिलता है, जैसे कि अगर तुमको कोई एरिया में काम नहीं मिल रहा है या कोई तुमको नेग्लेक्ट कर रहा है तुमको इंसल्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कोलकाता का या कोई भी शहर के सब एरिया में लोग गलत है या फिर सब एरिया में तुमको ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे या फिर सब एरिया में तुमको कोई काम नहीं देगा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अगर तुमको किसी एरिया में या कहीं भी तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा तुमको काम नहीं मिल रहा तो दूसरे एरिया में जाओ, वो एरिया में नहीं मिला तो दूसरे एरिया में जाओ, लेकिन कोशिश मत छोड़ना। एक्चुअली सच बता रहा हूँ कब रहे इतना ज़्यादा मैं चला हूँ लेकिन मैंने हार नहीं माना, मेरे को काम चाहिए मेरे को खाना है मेरे को सर्वाइव करना है तो मैं तो करना ही है, लास्ट में इधर आया हूँ और ये लोग बहुत अच्छे हैं मेरे को काम दिए भाई ने और बहुत अच्छा लगा, बहुत लोग तो ऐसे बात भी नहीं कर रहे जैसे कि तुम लोगों ने देखा बात भी नहीं कर रहे थे ऐसे करके चले आते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब दुख देना वाला होता है कि तुम जब मेहनत करते हो तुमको कोई वैल्यू नहीं देता वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग है, लेकिन क्या कर सकते कोई नहीं वैसा बकूंगा नहीं, बहुत तेज भूख लगा खा लेते यार अभी इतना खुशी हो रहा है, सच बताओ मेहनत के बाद जो खाना का मजा है वो कहीं पे भी नहीं है, चलो खा लेते हैं। जाके कुछ शांति मिलाया इससे बड़ा शांति नहीं हो सकता खाने का, इधर से निकलते हैं और रात का खाने का इंतजाम करते हैं, वैसे भी रात होने वाला है चला देना। हेलो भाई खाने तो दिए और काम करो। तो गाइस अभी करीब शाम होने वाला है और लगभग मैं सुबह से बस एक ही बार मेरे को खाना मिला है, अभी मेरे पास 30 रुपये एक्स्ट्रा है तो रात का खाने का इंतजाम तो लगभग हो चुका है, तो अभी मेरे को बस एक अच्छा सा देखो ठंडा का मौसम अगर होता तो वो वाला दिक्कत रहता, तो अभी ठंडा का मौसम नहीं है और रात भी हो रहा है तो अभी सोने का कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कोलकाता में ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे तुम
आराम से सो सकते हो। और देख सकते हो पूरा शाम हो चुका है और अम्मा को देने के बाद 10 रुपये मेरे पास 20 रुपये बचे हैं। तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, एक बार पराठा खाया इसीलिए शायद थोड़ा एसिडिटी भी हो गया। पता लगे शाम तक पूरा गुजारा विदाउट एनी मनी, कोई पैसा के बिना सारा दिन गुजारना एक कोई मेगा सिटी में बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं तुम लोगों को कुछ वार्निंग देना चाहूँगा, जैसे कि हर जगह के लोग सही नहीं होते, हर एक जगह में तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने सियालदह में काम किया था, उधर मुझे बहुत सारे काम मिले थे, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इधर जब मैंने ये साइड में किया कोलकाता का तो मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, बहुत लोग मुझसे ख़राब तरीके से बात करते, बहुत लोग बात ही नहीं कर रहे थे, बहुत कुछ हुआ। सारा दोपहर मैंने कुछ नहीं खाया, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, तो वो चीज़ ख़राब लगा। लेकिन मैं जब कॉलेज के साइड में गया, स्टूडेंट लोग आता जाता रहते, उधर दुकान था, भैया अच्छा था, भैया अच्छे थे, तो उधर मुझे काम मिल गया फिर से। तो हर जगह तुमको सही नहीं मिला, हर जगह लोग सही नहीं रहेंगे, हर जगह लोग तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उससे दुखी नहीं होने का, तुमको निराश नहीं होना है उस चीज़ से, और मोटिवेट करो खुद को कि यार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कुछ करूँगा उसमें तो फाड़ दूंगा। तो तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, होप तुम लोगों को अच्छी वीडियो में मज़ा आया होगा, और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो तुम लोगों को पता, तुम लोग क्या करना, लाइक मारो, कमेंट करके मुझे बताओ तुम लोगों को कैसा लगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कैन बी लास्ट चैनल वेस्ट बंगाल नंबर 1 ब्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब करो। ऐसे ही 2000 खतरनाक फाड़ उधर वीडियो के साथ मिलता हूं परसों और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी आर बी पी एम फॉर ए बेटर लाइफ, बाय।